नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जिन लोगों ने पहले से हमें किया उनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है। तो इसकी जो कटिंग हमने पहले की वीडियो में आपको बताई है, बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे हम बताने वाले सिलाई। तो यहाँ पर हमने कटिंग लेनी है, जो कटिंग करके रखी थी। अभी इसे मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ, पीछे वाला पार्ट और स्लीव्स देख सकते हो। अभी जब हम कटरी ब्लाउज की सिलाई करते तो हमारा जो टक्स परफेक्ट आता नहीं है, ये जो टक्स हम जो सिलाई करते हैं बराबर आता नहीं है। जब सिलाई करते हैं तो टोक दिखा जाता है, यानी कि नोचेस जैसे लगता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाली हूँ आपको। अभी इसको हमें लेना है, साइड कर लेते हैं, वीडियो आखिरी तक देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स होने वाली है ये। अभी आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, इसे साइड कर लेना है, कटोरी देख लेना है हमें। ओके, अब कटोरी को हमें कभी भी नीचे से सिलाई करते जाना है, एकदम नीचे से। मैं हर बार इसलिए बताती हूँ, मेरा कुछ नया तरीका नहीं होता, इसी तरीका होता है। इस तरीके से आप ब्लाउज की सिलाई करोगे ना दोस्तों, तो सही में आपकी ब्लाउज की सिलाई अच्छी भी आएगी और फिटिंग भी एक नंबर आ जाएगी। और सिलाई करते समय एक बात का आपने ध्यान देना है, बहुत ही आसान है, मतलब धीरे धीरे करके ब्लाउज सिलाई करना है और कपड़ा थोड़ा भी यहाँ पे खींचना नहीं। क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, यदि आप कपड़ा खींचोगे तो भी ब्लाउज की फिटिंग फिनिशिंग बराबर आएगी नहीं। क्या बोलोगे, गीता ने बताया नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी भी ब्लाउज सिलाई करते समय कटोरी को पहले जॉइंट करना है, बाद में हमें टक्स पॉइंट लगाना है। यदि आप पहले टक्स पॉइंट लगाओगे तो फिर कटोरी में नॉचेस आ जाएगी। इसका मैं आपको एक छोटा सा डेमो बता देती हूँ इसके साथ ही। अभी यहाँ पे देखो, मैंने नीचे से सिला है। ओके, एक डेमो मैं आपको बताऊंगी। कई लेडीज़ क्या होती है, पहले कटोरी को टक्स लगा लेते हैं फिर बाद में जॉइंट करते हो, हमें वैसा करना नहीं है। अब ये वाला एक तरीका तो आपने देख ही लिया है इस तरीके से। वीडियो आखिरी तक देखना है और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि ये वीडियो आपको सही में कैसे लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। तो यहाँ पे मैंने डबल सिलाई मार ली है, अभी मैं आपको बताऊंगी, देख सकते हो इस तरीके से। अभी यहाँ पे पहले अभी ये एक पार्ट में पहले कभी भी तैयार कर लेती हूँ। अभी ये देख रहे हैं आगे पीछे हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हल्का सा हमें राउंड कर लेना है और यहाँ से भी हल्का सा हमें छटाई कर लेनी है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस। अब यहाँ पे लेंगे क्रॉस पट्टी, और क्रॉस पट्टी को भी हमें इस तरीके से जॉइंट करते जाना है, इस तरीके से। यदि ना समझ में आए तो बार बार वीडियो देखे और स्किप ना करें। यदि आप बीच में स्किप करोगे तो फिर जो महत्वपूर्ण टिप्स होगी वो आप देख नहीं पाओगे, फिर हमें कमेंट करके बताओगे, मैडम हम जब ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो कटोरी बराबर आती नहीं है। तो प्लीज़ आखिरी तक ही वीडियो देखना है, यहाँ पे हम लोग सिलाई के बारे में आपको छोटी छोटी टिप्स बताने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमने लगा लिया है क्रॉस पट्टी, और जैसे ही हमने सिलाई मारी तो डबल सिलाई मार लेंगे। यदि आप पहली बार ब्लाउज सिल रहे हो तो आपने एक बात का ध्यान देना है, कच्ची सिलाई माने और एक ही सिलाई माने, यदि बिगड़ जाए तो सिलाई निकालने में आसान तरीका हो जाता है। अभी इसे मैं हाथों से इसे प्रेस कर लेना है, भी आप देख सकते हो एकदम कटोरी हमारी कितनी बढ़िया आ गई है। अब एक दूसरा तरीका बताऊँ जो बहुत सारी महिला गलती कर लेते हैं, तो वो कौन सा तरीका वो बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे टक्स लगा लेते हैं पहले महिला लोग, इस तरीके से कटोरी को पहले टक्स लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं कच्ची वाली सिलाई मार रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं ओपन करने वाली हूँ, कच्ची वाली बाद में निकालने में आसान तरीका हो जाएगा। फिर इस तरीके से होती है कटोरी। ओके, अभी यहाँ पे हमें लेना इस तरीके से, अभी आप देखना सिलाई कैसे होती है। यहाँ पे हमें कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है एकदम, और ये तरीके से जाते हैं दोस्तों तो कपड़ा ज़्यादा भी लग जाता है सिलाई के टाउन पे। अभी आप देख सकते हो ये कैसे हो गया है ना, ये देखो ये अलग सा ही हो गया। और ये वाला मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें उसमें फ़र्क देखो कैसा है ना, ये कटोरी एकदम अच्छी तरह से फ्लैट बैठ जाती है और ये कटोरी एकदम इसका नॉचेस लग जाता है ये। तो मैं इस तरीके से करना थोड़ा भी नहीं, इसमें और इसमें आपको फ़र्क आ गया है देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्रॉस पट्टी नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे हमारी चल रही कटोरी की बात, तो कटोरी के रिलेशन में आपको मैं बताना चाहूँगी।
तो इस तरीके से गलती ना करें, कभी भी कटोरी ब्लाउज सिलना हो तो पहले ज्वाइंट करके टक्स लगा के क्रॉस पट्टी लगाना है। तो ये सही तरीका होता है हमारी कटोरी ज्वाइंट करने का। अभी ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अभी मैं इसकी सिलाई निकाल लेती हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता ना इसलिए। कभी भी पहली बार सिलाई करते होगे ना तो आपने क्या करना है, बड़ी वाली सिलाई करनी जैसी मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे कटोरी को मैंने सिलाई मार ली, पर यहाँ पे मुझे जैसी वैसी कटोरी आई नहीं है, तो यहाँ पे मैंने पहले कच्ची सिलाई मार ली थी। अभी जो सिलाई मैंने लगाई थी वो निकाल लेना है इस तरीके से। बड़ी सिलाई होने से क्या होता है, फिनिशिंग भी अच्छी तरह से बनी रहती है। तो ये गलती आपने ना करना है। यदि आप ये गलती करोगे तो आपकी जो कटोरी बराबर आएगी नहीं, वो कुछ भी नहीं। फिर आप बोलोगे आप जो बोलते हैं वैसे ही हम लोग करते हैं, पर बहुत सारी महिला इस तरीके से कटिंग करती है ना सिलाई, तो फिर कटोरी फिटिंग आती नहीं है। तो ये तरीका होता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी। छोटी छोटी बातें ध्यान पूर्वक देखना है और फिर घर पर प्रैक्टिस करना है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना फिर आपको फिनिशिंग आएगी आपके हाथों में और फिटिंग भी एक नंबर आएगी। हम बार बार सिलते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि ये वाला पार्ट ऐसे सिला जाता है, वो वाला पार्ट ऐसे सिला जाता है, दिमाग में बैठ जाता है, फिर बाद में हमें अच्छी तरह से ब्लाउज आ ही जाता है। आप देख सकते हो इस तरीके से। ओके, मैं आपको लेके बता रही हूँ। देखो आसान तरीका भी हो गया, नहीं तो जब हम लोग सिलाई निकालते हैं तो कपड़ा एकदम खींचा खींचा लगता है। पहली बार सिल रहे तो पहली बड़ी वाली सिलाई से हमें ब्लाउज सिलाई करनी है, छोटी वाली से हमें करना नहीं है। अभी आप ऐसे सिलाई करना है हमें, मैंने खोल दिया है। अब यहाँ पे सिलाई कर लेना है, देख सकते हो कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं है। यदि आप कपड़ा खींचोगे कटोरी का शेप अच्छा आएगा नहीं और फिटिंग भी बराबर आएगा नहीं, इस बात का आपने ध्यान देना है। मैं आपके साथ सामने ही कटोरी की सिलाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे डबल सिलाई भी मार लेना है। हाँ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, मैं ये वीडियो में नहीं बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको सरप्राइज़ बताऊँगी। बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, आप शोकित हो जाओगे क्या सरप्राइज़ है। इसके लिए आखिरी तक वीडियो देखना है। अभी यहाँ पे देख सकते हो इसको हमें अच्छी तरह से प्रेस कर लेना हाथों से। अब यहाँ पे टक्स पॉइंट लगा लेना है। ऐसे करने से कटोरी एकदम परफेक्ट आ ही जाती है, थोड़ा भी कटोरी हमारी टोक दिखता नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम परफेक्ट। यदि आप इसमें डबल कटोरी करना चाहते हो तो शॉर्टकट तरीका भी, आप इसमें डबल कटोरी भी कर सकते हो, देख सकते हो बढ़िया सी। अब यहाँ पे हल्का सा हमें छटाई कर लेनी है, हल्की सी, ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्की सी, राउंड से दिखता नहीं इसलिए। अभी यहाँ पे हम लेंगे क्रॉस पट्टी, और क्रॉस पट्टी को ऐसे जॉइंट कर लेना है सिलाई। हाँ दोस्तों, चैनल पे आप हमारे नए हो गए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। आप हमें कमेंट करें आपको किस टाइप के वीडियो पसंद है, तो उस टाइप के हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ड्रेस के हो गए तो ड्रेस के भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये ड्रेस का तरीका भी बहुत ही आसान तरीका है, आधे घंटे के अंदर ड्रेस हो जाता है। जैसे ब्लाउज का आप देख रहे हो ना, वैसे ड्रेस का भी होता है। अभी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अभी हाथों से इसे प्रेस करते जाना है। कितना बढ़िया से हमारी कटोरी बनकर तैयार हो गई है। अभी यहाँ पे सीधे से कपड़ा कट कर लेना है, क्योंकि आड़ा टेढ़ा कपड़ा था ना, इसलिए दोनों को सेम टू सेम ही करते जाना है, दोनों को से। अभी आप देखते इसमें और इसमें कितना फर्क है। हल्का सा छटाई करना है, कपड़े को ऐसे सीधा रखना है और इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आई पट्टी और हुक पट्टी कैसे लगाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने 2 इंच का कपड़ा लिया है, कट कर लिया है, अभी इसे मैं इसके ऊपर रखना है। अभी ये हुक पट्टी के लिए हम बना रहे हैं, और जहाँ पे हमारी क्रॉस पट्टी दिख रही है, ये वाली क्रॉस पट्टी, तो इसको हमें ऐसे हल्की सी प्लेट लगा लेनी है, थोड़ी लगानी, ज़्यादा नहीं, छोटी वाली प्लेट लगानी है और सिलाई करते जाना है। ये करने से क्या फिटिंग अच्छी आ जाती है, ये छोटी सी टिप बहुत ही काम की है। तो यहाँ पे लव सिलाई मारनी है, और यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा वो कट कर लेना है। ओके, अभी इसे मैं हल्का सा, ये ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, इसे मैं हल्का सा कट कर लेती हूँ, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब सिलाई के वक्त ये नीचे होना चाहिए दोस्तों, पर बातों बातों में आपसे थोड़ा ही ऊपर चला गया, हो जाता है थोड़ी बहुत गड़बड़। अभी इसको मैं ऐसे कर लेना है, हल्का सा मैंने कट कर लिया है। अभी इसको हमें कवर सिलाई करना है इस तरीके से,
और यहाँ पे कॉर्नर में सिलाई मारते जाना है, सिर्फ कॉर्नर में मारना है सिलाई बस। ये वाली सिलाई नीचे आनी चाहिए, ऊपर नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। अभी आप देख सकते हो तो कितनी बढ़िया हमारी कटोरी बनकर तैयार हो गई। अभी हमें आई पट्टी और हुक पट्टी कैसे किया जाता है वो बताते हैं। अभी हुक पट्टी हो गई, अभी आई पट्टी। अभी यहाँ पे मैंने लेना है कपड़ा, अभी बहुत ही बड़ा कपड़ा है, इसको इसके नाप से हम कट कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा कट कर लेती हूँ, ये थोड़ा कम था ना इसलिए। यहाँ पे हमने 2.5 इंच का कपड़ा लेना और एक जगह 2 इंच का कपड़ा लेना। अभी ये कम ज़्यादा तो कोई बात नहीं, ये तो कवर में चढ़ने वाला है इसलिए मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ, कभी कभार हो भी जाता है ऐसा। अभी इसको कटोरी के पार्ट को मैं ऊपर रख लेना है और सीधे से सिलाई मारनी, बस सीधे से। यहाँ पे हमें प्लेट वगैरह कुछ भी लेना नहीं, सिर्फ सीधे से सिलाई मारते जाना है। वीडियो आपको हमारा कैसे लगता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ, जब आप हमें कमेंट करते हो ना मुझे बहुत ही खुशी होती है। हमें लगता है कि आपको हमारे वीडियो बहुत ही पसंद आते हो, तो एक आप और फैमिली आप हमारी हो और फैमिली अच्छे बोले तो हमें कितनी खुशी होती है ना। तो आप ऐसे कमेंट करें, लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे ऐसे कवर सिलाई करनी, जहाँ पे हमारी सिलाई होती है ना वहाँ पे इसे कपड़ा रखना है और यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर में हमें सिलाई मारते जाना है। और यहाँ पे और डबल सिलाई मार लेती हूँ ताकि 1 इंच जितना हमें बाहर होना चाहिए ये कपड़ा, क्योंकि आई पट्टी होगा ना इसलिए जब हम हुक लगाएंगे तो कपड़ा हमारा मतलब दिखना नहीं चाहिए, इसलिए ये इतना थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बहुत जनों की प्रॉब्लम होती है कि जब हम आई पट्टी हुक पट्टी लगाते हैं तो दिखता है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने ये वाला कपड़ा 2.5 इंच का लेना है और इससे डबल सिलाई करनी, जहाँ पे ये सिलाई दिख रही है ये वाली सिलाई, तो यहाँ पे आई पट्टी और करना है सिलाई, फिर इसके ऊपर हमें ये से रखते जाना है। फिर आप ब्लाउज पहनोगे तो परफेक्ट फिटिंग आ जाती है, देख सकते हो कपड़ा थोड़ा भी ये नहीं होता है, हल्का सा भी हुक वगैरह होता है तो कपड़ा इसमें ढक जाता है। मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको समझ में आता होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। तो अभी यहाँ पे मैं इसको साइड कर लेती हूँ और यहाँ पे कट कैसे किया जाता है नेक, देखो ये कितना अगड़म बगड़म नेक है, तो इसको सीधे से हम कैसे कट करते हैं वो बताते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी गिन लेते हैं। अभी ये क्रॉस पट्टी हमें तो रेडी 3 की चाहिए, तो 1/2 इंच बढ़ा देती हूँ, 3.5, इतना भी कपड़ा हमें चाहिए नहीं। अभी यहाँ पे नेक हमें देख लेना है, 3.5 का नेक है तो यहाँ पे मैं 4 ले लेती हूँ। अभी ये गला थोड़ा अगड़म बगड़म है इसलिए हमें इसे सेप देना है अच्छी तरह से। यदि आपको गला बड़ा या छोटा चाहिए आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं 2 का तीरा ले लेती हूँ। 2 का तीरा लेने से क्या था, हमारी जो ब्लाउज की जो शोल्डर थोड़ी भी गिरती नहीं, कितना भी बड़ा गला क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा गला क्यों ना, तो ये 2 से एकदम परफेक्ट ब्लाउज हमारा बैठ जाता है, आपको दोरी लगाने की भी जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे हमने चौक से हल्के से सेप दे देना है राउंड में। अभी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना वो हमें से कट कर लेना है, देख ये हमारी होती है फाइनल कटिंग, फाइनल कटिंग है ये इस तरीके से। अब यहाँ पे भी कपड़ा में कट कर लेना है एक्स्ट्रा जो भी हुआ किनारे किनारे। अभी ये देखो कितना निकल गया ना, इतना भी चलता नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट ले लेना है। अभी यहाँ पे मैं गिनना वगैरह कुछ भी नहीं, जहाँ पे हमारी जो क्रॉस पट्टी होती है इसके ऊपर क्रॉस पट्टी लगा लेनी है और इसको सेम टू सेम निशानी कर लेनी है, है ना, कितना आसान सा तरीका। बहुत जन बोलते हैं ब्लाउज सिलना बहुत हार्ड है और वैसे देखने के तो ब्लाउज की सिलाई कितनी महंगी भी है बाहर, 300-350 तो है जा। आपके यहाँ पे कितनी सिलाई है तो प्लीज़ कमेंट करना है हमें। हमारे यहाँ पे तो 300-350 है, अस्तर हमारा होता है तो हम लोग 300 लेते हैं और पैटर्न का तो अलग ही हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 2.5 लेना है, अभी वहाँ पे 2 लिया था तो यहाँ पे 2.5 लेना है। अभी आपको लगा 2.5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा आ गया ना इसलिए। तो यहाँ पे जैसे थे वैसे यहाँ पे लाइन दे देना है, ड्रॉ कर लेना है और इसको भी सेम टू सेम सीधे में ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे हल्के से हमें सेप दे देना है, ओके, और इसे हमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे बहुत कम हो गया तो भी हमें यहाँ पे छटाई कर लेनी है ही इस तरीके से, परफेक्ट। मैं आपको लेके बता देती हूँ इजीली। अभी जो आप दिख रहे हो पहले से ब्लाउज का जो नोक दिख रहा है आपको, अभी से ये एकदम परफेक्ट आ चुका है। मैं आपको लेके बता देती हूँ,
मैं ये वाला पार्ट मैं छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो जो छोटे छोटे वीडियो होते हैं ना तो देखने में भी मजा आती है, और जो नहीं समझ में आता यानी कि जो टिप, तो आप पूरा देखे आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में होगी इसकी फिटिंग होगी और पीछे वाला पार्ट की डिजाइन होगी कैसे किया जाता है। तो आज का वीडियो आपको हमारा ये कैसे लगा, छोटा सा वीडियो, तो प्लीज कमेंट करना है। नए होगी चैनल पे तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलेगी तलेश टेलर को।